तारीख बताती है कि अदब जमूद का शिकार होता है, फिर इर्तका शुरू हो जाता है। आप मर्सी का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मुझे तो मर्सी का मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन नज़र आता है, क्योंकि आज के इंसान का अगर आप देखिए तो मसला क्या है, हम किस दौर में ज़िंदा रह रहे हैं, हम अपने हुकूक चाहते हैं, हम एक जंग लड़ रहे हैं अपने ऐसे। आज का इंसान इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, बड़ी सुपर पावर्स हमारे सामने आ गई हैं, ममालिक के अंदर हलके बन गए, जंग अजीम दो जंगें हो चुकी हैं, तीसरी जंग किसी भी सामने आँखें निकाले खड़ी हुई है। ऐसे मौके पे हम करबला की आवाज़ सुनना चाहते हैं, जो हमें रास्ता दिखाती है कि सच्चाई किस तरफ है। करबला को सिंबल बना के लिखा जाता है, मुसलमान मुल्कों में इस्लामी तारीख के बड़े किरदारों को अहमियत दी गई, और करबला एक ऐसा वाक़या है पूरी इस्लामी हिस्ट्री में जिसे इंसान को जीना सिखाया, इंसान को ज़िंदा रहने का हुनर बताया। इसी मर्सी का मुस्तकबिल इसलिए अच्छा है कि ये सफ़र चलता रहेगा। आर्टिस्ट बड़े आ जाते हैं फिर सामने से हट जाते हैं, लेकिन मर्सी का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि इंसानियत का मौजू रोशन है, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क एक लकीर खींच देने का तसव्वुर बाकी है, और करबला इसकी बड़ी आवाज़ है। तो मुस्तकबिल मायूस नहीं होना चाहिए, मर्सी का मुस्तकबिल अच्छा रोशन ताबनाक बड़ा मुस्तकबिल है।